फ्रेम बनाएंगे मैक्रम से। इसके लिए मैंने पर्पल कलर के दोनों शेड लिए हैं, डार्क एंड लाइट, कलर चॉइस आपके हिसाब से हो सकता है। 2 वुडन स्टिक लिया है 8 इंच का मैंने, लाइटर एंड सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं मैक्रम फोटो फ्रेम बनाना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टिक में कॉर्ड अटैच करेंगे। सारे कॉर्ड मैंने 1.5 मीटर ईच लिए हैं, टोटल यहाँ पे 18 कॉर्ड लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इस तरह हमें कॉर्ड अटैच करना है। लाइट शेड के 4 कॉर्ड हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें यहाँ पे डार्क पर्पल शेड के लेना है कार्ड। ये कार्ड भी हमने टोटल 10 कार्ड लिए हैं हमने फ्रेंड जी। ये भी 1.5 मीटर रीच है। तो इस तरह यहाँ पे 10 कार्ड डार्क शेड के अटैच कर लीजिए। उसके बाद 4 कार्ड हमें फिर से पर्पल शेड के अटैच करना है, लाइट शेड वाले। तो देखिए फ्रेंड्स हमने टोटल 18 कॉर्ड यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। 8 कॉर्ड हमने लाइट शेड लिया है और 10 कॉर्ड हमने डार्क शेड लिया है पर्पल का। इसके बाद हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो 4 कॉर्ड यहाँ ले लेंगे हम और हमें यहाँ पे इस तरीके से सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है फ्रेंड्स। फिर से 4 कॉर्ड लेके हमें इस तरीके से ही इस कॉर्नर तक सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेना है फ्रेंड्स। कॉर्नर तक कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन हमने कंप्लीट कर ली है स्क्वायर नॉट से। अब सेकंड लाइन कंप्लीट करेंगे तो 2 कॉर्ड यहाँ पे छोड़ देंगे हम और बीच के 4 कॉर्ड लेके हमें यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कॉर्नर तक कंप्लीट कर लीजिए इसे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सेकंड लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह हमें यहाँ पे 4 कॉर्ड लेके इसमें स्क्वायर नॉट लगाना और इसी तरह पूरी लाइन हमें कॉर्नर तक कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3rd लाइन भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद देखिए अब हम ये वाले कॉर्ड छोड़कर 8 कॉर्ड में हम यहाँ पर पैटर्न पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 2 कॉर्ड छोड़े हमने यहाँ पे, 4 कॉर्ड में नॉट लगाना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से फिर से 4 कॉर्ड लेंगे हम। अब यहाँ पे लगाएंगे नॉट। इसके बाद यहाँ पे 4 कॉर्ड में नॉट लगाएंगे। फिर से बीच के
फोर कॉर्ड में नॉट लगाना है। यहाँ पे पूरा पैटर्न हम सिंपल स्क्वायर नॉट से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। देखिए तो फ्रेंड्स इस तरह जितना आप लेंथ रखना चाहें अपने फ़ोटो फ्रेम का उतना लंबा आप इसे यहाँ तक नीचे तक बना लीजिए। इसी तरह हमें अदर साइड भी कंप्लीट कर लेना है बना के। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड बना के कंप्लीट कर लिया है। ये 6 इंच तक बनाया है मैंने। इसी तरह अब हम बीच में सिंपल स्क्वायर नॉट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बीच में भी बना के कंप्लीट कर लिया। जिस तरह हमने यहाँ बनाया था वैसे मैंने यहाँ भी 6 इंच में कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे जॉइन करना है। ये देखिए सिंपल स्क्वायर नॉट लगा ली हमने 2 कॉर्ड छोड़ के। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से जॉइन करेंगे हम। 2 कॉर्ड हमें डार्क शेड के लेने हैं और 2 लाइट के, और एक सिंपल स्क्वायर नॉट हमें यहाँ लगा देना है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सा लूज लगाइए आप। ये देखिए इस तरह। और इस तरीके से फ्रेंड हमें यहाँ तक कॉर्नर तक इसे स्क्वायर नॉट से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स लाइन कंप्लीट कर ली है। इसी तरह हमें सेकंड लाइन भी कॉर्नर से कंप्लीट कर लेना है स्क्वायर नॉट की। तो इस तरह फ्रेंड कॉर्नर तक इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सेकंड लाइन भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब हम यहाँ पे स्टिक अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको कॉर्ड डालना है। ये देखिए इसको अंदर की साइड लेने हैं कॉर्ड डालते समय। देखिए इस तरह। इसके बाद इस कॉर्ड को भी हमें तो दोनों कॉर्ड इस तरह अंदर की साइड लेना है फ्रेंड हमें। और उसके बाद यहाँ पे इनको टाइट करके सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देना है। इसको खींच के हमें टाइट कर देना है फ्रेंड्स। ये देखिए तो इस तरह ये हमारा स्टिक इसमें अटैच हो जाएगा। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह लेना है। इसको टाइट कर लीजिए। और यहाँ पे 4 कॉर्ड से हमें सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेना है फ्रेंड। इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह मैंने यहाँ पे नॉट लगा ली है। तो सारे कॉर्ड हमें इसी तरह यहाँ पे अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमने स्टिक को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमारे कॉर्ड हमें कट करना है। उसके पहले मैंने इस तरीके से 2 इंच के बाद एक नॉट लगा ली है। ये देखिए मैं यहाँ आपको बताती हूँ। इस तरह एक सिंपल नॉट लगाना है आपको।
इस तरीके से। और ये जो कॉर्ड है हमारे टू कॉर्ड में, हम बीच के टू कॉर्ड में नॉट लगाएंगे। अब जो ये टू कॉर्ड है इसको हमने पीछे की तरफ कट करके स्टिक कर देना है फ्रेंड्स। ये जो फोर कॉर्ड है यहाँ पे हम इसी तरीके से करेंगे। इस साइड भी मैंने यही किया है, टू कॉर्ड में बीच के नॉट लगाइए, बाकी कॉर्ड हम स्टिक कर देंगे। और बीच की जितने भी हमारे डार्क पर्पल कॉर्ड हैं इसमें सब में मैंने नॉट लगाया है। अब इसे हमें कट कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह हमें कट करके और थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे हम इसको, और इसी तरह हमें इसे छोड़ देना है फ्रेंड्स। सारे कॉर्ड को हम इसी तरह कट करके स्टिक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इसको नॉट लगा के। अब हैंगिंग के लिए हमें यहाँ पे बनाना है। तो देखिए ये कॉर्ड लिया है मैंने 70 सेंटीमीटर का। इस तरीके से हम इसे अटैच कर देंगे। और आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह नॉट लगा के हम यहाँ पे इसे फिनिश कर देंगे। इसे कट करके पीछे की साइड स्टिक कर देंगे फ्रेंड। ये देखिए इस तरह हमारा फोटो फ्रेम रेडी हो गया है। और इसमें हमें अब फोटो अटैच करके देखना है। देखिए इस तरीके से लगाएंगे फ़ोटो हम इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फोटो फ्रेम बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैक्रम मैजिक आर्ट। और प्लीज़ फ्रेंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर फोटो फ्रेम अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नमस्कार।